लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कुछ नहीं होगा तुम्हें। I won't let anything happen to you. वहीं रुक यार, हमारे आदमी आ जाएंगे तुझे लेने। ठीक ठीक है ठीक है, तुझे मरना होगा। तुम पलक तेरे आली तकमा दे के भाग ली। भाग ली का क्या मतलब है? क्या किया पलक के साथ तुम लोगों ने? पैसे मैं आपको और दे दूंगा, पहले बताओ पलक का है। अरे ऋतिक दे दे यार, पहले बताओ पलक का है। दे दे, क्या किया तुम लोगों ने पलक के साथ मुझे बताओ। ऋतिक प्लीज कुछ मत करो प्लीज। ऋतिक पलक ठीक है? अरे पैसे कैसे, तो तुम पहले बताओ पलक का है। दे दे यार पैसे। अरे पकड़ो अरे अड़ा कर इसे। ऐ सुने बहुत हो लिया ड्रामा। अरे किडनैपिंग है यू, सारी फिल्म की स्टोरी ना चल रही, हीरो बनते फिर रहे। और यू है नी, यू तेरी वाली जो है नी बहुत हाथ पर चलावे, बताओ इसे यहाँ पे। और सुन प्यार करे नहीं तू इससे, तो सब कुछ कर सके इसके लिए है? कुछ भी कर लूंगा उसके लिए। ये बात पहले मान सकता, पीछे तो मारे को मिल गए। सुन लिया भाई, ये भी तो जांच हो रही है नी, साथ जाएगी। देखिए बड़े जय, मैं आपको और पैसे लाके दूंगा। तो साथ रह सर। तू निकलो तुम यहाँ से। अरे तू पागल हो गया क्या? तुझे छोड़ के कैसे जाएंगे? रोहित शट अप एंड लीव। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। रोहित जा यहाँ से, मैं तुझे गोली मार दूंगा। जा यहाँ से। पलक ऋत्विक नहीं, रोहित चल चल चल। रोहित मेरी बात तो सुनो। रोहित उन्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हैं। पहले यहाँ से निकल, उनके लिए हेल्प लेके आते। चल पीछे हटो तुम लोग, पीछे हटो। अरे हट गए देख, गोली मार दूंगा साले तेरे को। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। पलक मैं अपने आपको संभालूंगा। डोंट बी स्टूपिड, प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं नहीं क्या कर रही हो यार तुम? अंडरस्टैंड द सिचुएशन प्लीज गो, मैं संभाल लूंगा अपने आपको। पलक आई प्रॉमिस आई विल कम बैक, प्लीज प्लीज जाओ। पलक छोड़ छोड़ दे भैया को, नहीं तो खोपड़ी खोल दूंगा इसकी। अरे यहाँ अपने बहू के दौरे घेर के खड़े, जाओ जाकर पकड़ो उसे। देख भाई बहुत ओली होशियारी तुम्हारी यहाँ। अरे कदी यू भाग रही कदी वो भाग रहे, पकड़ पड़ाई चल रही यहाँ पे है? अरे मार दू कैसे है? एक छर्रे में ढेर कर दूंगा इसे। देखिए प्लीज, मैंने आपको पहले भी कहा, आपको आपको जो चाहिए मैं आपको लाके दूंगा। पुलिस के दौरे तैने फोन किया था नहीं? मैंने किसी को कोई फोन नहीं किया, हमें से किसी ने किसी को कोई फोन नहीं किया। अगर किडनैप हुए तो भागने की कोशिश तो करेंगे ना, इसमें इनकी क्या गलती है? कमिश्नर तक बात कैसे पहुंचगी? देखिए जो अभी यहाँ से लड़का लड़की गए ना, वो भाग के शादी करने वाले थे और उनके घर वालों ने फोन किया होगा, हम लोगों ने नहीं किया, हम यहाँ क्यों आएंगे फिर? आप इसे छोड़ दीजिए, आपको मैं और पैसे ला के देता हूँ, आप जितना बोलोगे मैं उतने पैसे। आप इसको प्लीज प्लीज जाने दीजिए, इसने क्या बिगाड़ा आपका? आपको और पैसे दीजिए, जितने हैं मेरे पास वो भी रख लीजिए आप। ये कार्ड्स हैं, ये कैश, जितना कैश ये कार्ड्स वार्ड्स इसमें सब कुछ है, इसमें प्लीज प्लीज रख लीजिए। एक गाड़ी भी खड़ी है पास में लॉज में, कम से कम 50,000 लाख होगी उसको। कब लेंगे? बैग टांग के कहाँ जाओगा? पीछे गिन। देखिए आपको आपको और पैसे चाहिए, मैं और पैसे लाके दूंगा, प्लीज इसे तो छोड़ दीजिए। चलो फिर जल्दी, हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जल्दी चलो।
प्लीज मैं ये घड़ी नहीं दूंगा, आप चाहे जान ले लो, मैं ये घड़ी नहीं दे सकता, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। अपनी जान की परवाह ना है तुझे, उससे ज्यादा प्यारी तुझे थारी घड़ी है, इसकी भी परवाह नहीं क्या? काट दे इसका गला, बोल। एक एक नोट सील सील के पूरा छांटिए। हाय, अपने पास एटीएम कार्ड भी है? तेरे चाचा ने एटीएम खोल रखा जंगल में, अरे पकड़वा देगा वो, है किसे? सर पूरे पैसे हैं, जो कुछ भी था मेरे पास वो भी मैंने आपको दे दिया, कार्ड्स भी ले लिया आपने, अब तो जाने दीजिए, गिन लिए ना आपने? भाई सोरे गिनता लिए, एक महंगी सी चीज रहेगी तेरे पास। नहीं बचा मेरे पास, मैंने सब जो था आपको निकाल के दे दिया। हाथ में देख जा महंगी वाली घड़ी, उतार। अरे उतार दे सोच के रहा भाई। आते तुम बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और कंपनी के लिए भी, और ऐसे इंपॉर्टेंट दिन के लिए एक इंपॉर्टेंट गिफ्ट है। ये घड़ी मैंने उस दिन खरीदी थी जब मेरी पहली तरक्की मिली थी मुझे, और मैं चाहता हूँ कि ये घड़ी अब तुम रखो। Are you sure? ये बहुत लकी है मेरे लिए, और तुम्हारे लिए भी उतनी लकी होगी। इसे संभाल कर रखना। संभाल के? मैं इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगा। I've seen it on your hand so many times that उसे एक्साइटमेंट में पहनी नहीं जा रही है। Thanks, Dad. The best gift. Oh, it's मैं आपको सच बताता हूँ, ये मेरे फादर ने मुझे दी थी जिस दिन मैंने अपना काम संभाला था, और उन्होंने ये अपनी पहली पगार से खरीदी थी। कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये बस एक इमोशनल चीज़ है मेरे लिए। ये प्लीज़ आप ये मत मांगिए। मैंने ये काम शुरू किया था तुझे पता, मेरे पिताजी ने किया दिया था, छेद सर्रे और या बंदूक चलाऊँ के, अरे जान प्यारी है कि नहीं, घड़ी दे दे उतार के। नहीं दूंगा मैं ये घड़ी, प्लीज मैं ये घड़ी नहीं दूंगा, आप चाहे जान ले लो, मैं ये घड़ी नहीं दे सकता, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। फिरौती की रकम आपने मांगी थी पूरी की पूरी, आपने गिन ली है, उसके अलावा जो कुछ भी था वो भी आपको दिए, गाड़ी तक आपको दे दिया। ओए छोरे मारी बात सुन ले, अपनी जान की परवाह ना है तुझे, उससे ज्यादा प्यारी तुझे थारी घड़ी है, इसकी भी परवाह नहीं क्या? काट दे इसका गला, बोल। जंगल में बहुत फलक फलक चिल्ला रहा था ना, बोल काटू इसका गला। देखिए प्लीज आप इन्हें छोड़ दीजिए ना, आपने जितने पैसे मांगे उन्होंने लाके दिए। सही बोल रही है वो, मेरे डैड मेरे लिए करोड़ों के अरबों रुपए लाके रखेंगे, रख लो मुझे और भेज दो। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, डू यू गेट इट? आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए ना। अरे पर तुम्हें कैसे पता कि पलक और सेतु का किडनैप हो गया? सर मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, ये अंदर की खबर है सर, किसी गांव वाले से पता चला, और वो लोग उन लड़कियों को छुड़ाने भी गए सर। What, now what? You know what? I'll have to call the cops. मैं पुलिस को अभी फोन कर रहा हूँ। पुलिस को फोन मत करना। अरे भाई, अगर रिकी और रोहित ने ये बात सबसे छुपाई तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। अनन्या कुछ तो करना पड़ेगा ना, वी कांट लीव इट लाइक दिस। एग्जैक्टली, प्लीज पुलिस को फोन मत करो, हो सके वो ट्रबल में आ जाए। मतलब प्लीज प्लीज उसे छोड़। उतार उतार रहा हूं, उतार रहा हूं। इनको बोलो छोड़े कर, छोड़ दे भाई।
निकल जाओ, हो लिया सारा काम। क्या 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 हुआ रोहित, क्या कर रहे हो रोहित? एक मिनट, अनन्या को फोन कर रहा हूँ। मैं तो पुलिस को फोन कर रहा हूँ क्योंकि ये मैटर ना अभी सीरियस हो गया। हेलो एनी, गाइस रोहित का कॉल है, रोहित का कॉल है, इसलिए मैं लाउड पे करती हूँ। हेलो रोहित, कैसा है तू? हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड। तुम लोग हो कहाँ पे, रिकी कहाँ पे? अच्छा सुन, मैं अमन और रीवा ये लॉस पे आता है, एक बार ये लोग पूछे तुम लोग का किडनैप हो गया, क्या हुआ, क्या सीन क्या है? मैं और सेतु तो वहाँ से भाग निकले लेकिन रिकी और पलक वहीं पे, उनकी जान को खतरा है। अरे मेरे भाई, मैं अभी पुलिस को फोन करने ही वाला था। अमन नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, उसके साथ पुलिस भी मिली हुई है, अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो रिकी और पलक को मार देंगे। ये क्या चल रहा है यार? अच्छा मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे पास एक प्लान है। तू सिर्फ ये बता कि तुम लोग दोनों हो कहाँ, हमें एक कॉमन जगह पे मिलना होगा। व्हाट प्लान क्या है, तू करेगा क्या? हमें बताता हूँ, तुम्हें मेरे लिए अपनी घड़ी देने की कोई जरूरत नहीं थी। बाद में बात करेंगे, चलो अभी गुजारे छोरे। हीरो कहूं के मिस्टर नून, यही नाम है ना तेरा? अरे तू तो सोने की मुर्गी है, तू कहां हमें यह घड़ी वड़ी के चक्कर में उलझा गया भाई? अरे तू तो यो छोटे मोटे चिल्लर देके जा रहा था, वह कमाल कर दी, करोड़पति बाप की औलाद है नहीं तू? पकड़ ले। आजा भाई आजा, चलते फिरती दौलत आजा। अरे भाई तू तो बहुत बड़े बाप की औलाद है। अरे हम तो खामखा या लुखी छोरियां के पीछे पड़ रहे, तजे उठा लेते, बहुत पीछे वाला ना तेरा बाप, तेरे जान की कीमत ये दे सके वो। देखिए प्लीज आप इन्हें छोड़ दीजिए ना, आपने जितने पैसे मांगे उन्होंने ला के दिए, आप प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें। अरे चुप, सही बोल रही है वो, मेरे डैड मेरे लिए करोड़ों के अरबों रुपए ला के रख देंगे, रख लो मुझे और भेज दो उसे। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, डू गेट इट? आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए ना प्लीज। चुप हो जा हंसिनी, सही कह रहा छोरा, ये भागा मजा। मीरा जी मुझे खुद को बहुत फिक्र हो रही है, न जाने कहाँ है ये बच्चे। वो रिकी कह रहा है वो शादी नहीं करेंगे, पर मुझे लगता है जाके कहीं शादी कर ली इन्होंने। भाग कर शादी, इस मुंडे ने कहीं का नहीं छोड़ा हमें, हद कर दी इसने। आप ध्यान रखो ना ममता, सुन रही हो? कैसे हाइपर हुए पड़े हैं और अपना बीबी भी बढ़ा रखा है इन्होंने। अब तो मुझे बच्चों की सच में चिंता हो रही है, तनी कहाँ है, सब कुछ ठीक तो होगा उनके साथ, किसी मुसीबत में ना हो, फोन नहीं लग रहे इनके। वही तो, मैं भी तो वही समझा रही हूँ, इन्हें सुन ही नहीं रहे। ओए तुम ना सिखाओ मुझे, अब रब दे वास्ते तुम ना सिखाओ मुझे, ऋत्विक मेरा होने वाला दामाद है और ससुराल के अगेंस्ट जाके ये किया, चंगा नहीं किया। मैं बात करूंगा विजय से, ये कोई तरीका नहीं। आप चुप रहिए ना मीरा जी, ऋत्विक ने कोई जबरदस्ती नहीं की, रोहित ने जो भी किया सोच समझ के किया, ऋत्विक तो उन्हें रोकने गया था। ममता अभी ये सब बातें छोड़ते हैं, इस वक्त तो बच्चों की फिक्र हो रही है। मल्होत्रा साहब भी अपनी पुलिस की पूरी टीम लेकर यहाँ किसी भी टाइम आते होंगे, भगवान करे बस हमारे बच्चे ठीक ठाक हो। देखो अगर मेरे डैड से फिरौती लेनी है और बहुत सारी लेनी है, इसको भेजो, यही करा सकते हैं। नहीं आप इसकी बातों में क्यों आ रहे हो यार, आपको चाहिए ना बहुत सारे करोड़ रुपए, जाएगी लेके आएगी, आप भेजो इसको। मैं नहीं जाऊंगी। देख भाई इन दोनों की आस्ती में हमारा काम हो जाएगा तमाम, पता है? सुन ले भाई सॉरी, यहाँ से चली जा ठीक है, और सुन ले जाके ना तो पुलिस को खबर करिए ना कोई होशियारी दिखाइए, वरना ये छोरा है नहीं यही ढेर काट दूंगा। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, तुम्हें छोड़ बच्चों ने क्यों कर लिया। चल भाई सॉरी, तू चल यहाँ से, तेरी जरूरत ना है, यो काफी है दौलत अपने लिए, चल।
कहते ना कि जहाँ पे कुआं दिखे तो उसमें सिक्का फेंको तो विश पूरी हो जाती है। जस्ट होप पलक को कुछ ना हुआ, प्लीज। रख लो मुझे और भेज दो उसे। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, डू यू गेट इट? सारे बच्चों में मुझे सिर्फ ऋत्विक की बहुत चिंता होती है। और रिकी सबसे स्ट्रांग भी तो है। स्ट्रांग तो है लेकिन दूसरों के लिए, और जो लोग दूसरों के लिए स्ट्रांग होते हैं ना वो खुद के लिए स्ट्रांग होना भूल जाते हैं। उसे दूसरों का दर्द दिखाई देता है, खुद के दर्द को छिपा देता है, खुद के दर्द को सजा बनाकर सहता रहता है। रीवा की शादी के वक्त ही देख लो, सबने एक्सेप्ट कर लिया, रीवा ने भी संभाल लिया खुद को, लेकिन नॉट रिकी। उसे बस ये शिकायत हुई खुद से, भगवान से, कि उसके परिवार को दुख क्यों हुआ, और इसलिए उसने खुद को सजा दी। फिर उस लड़की पलक को सजा दी, उसने इस घाव को नासूर बना दिया। इस वक्त भी वही कर रहा है, किसी और के लिए भाग रहा है, और यही सब उसके दिमाग में चल रहा है। ये प्रॉब्लम है रिकी में, उसे अपने आप को पहले रखना नहीं आता। ये लो मॉम, आपकी फेवरेट स्ट्रॉन्ग कॉफी। थैंक्स। नाइस नाइस, वेरी नाइस। खुश रहो। या आंटी। यार अमन, ये तूने क्या किया यार? मैंने तेरे को बोला था ना पुलिस को फोन मत कर। अरे मेरे भाई, तो मैं क्या करता, तब तक पूरी अंकल ने कमिश्नर साहब को ऑलरेडी फोन कर दिया था। और वो ऐसा क्यों नहीं करते, उनका बेटा गायब हुआ है यार। यार वो मुझे ढूंढ रहे थे क्योंकि उनको लगा मैं भाग के शादी करने वाला हूँ। किडनैपिंग की बात तो उन्हें पता ही नहीं थी, और तुझे पता है ऋत्विक और पलक की जान खतरे में। अमन, उनकी सेटिंग लोकल पुलिस से है, अगर उन्हें पता चला कि पुलिस फोर्स आ रही है वो ऋत्विक और पलक को नहीं छोड़ेंगे। अमन ठीक है, अगर उनकी सेटिंग लोकल थाने तक है ना तो हमारी दिल्ली तक। और वैसे भी एसीपी मेरा दोस्त है और मैंने उसको कॉन्फिडेंस में ले लिया है। अब ये पूरे ऑपरेशन को देख लेना, वो कितने अच्छे से हैंडल करेगा। देखो आप लोग टेंशन मत लो, ऋत्विक और पलक को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। ये कर रही है यहाँ? अरे जा जा के पीछे ले आ। नहीं नहीं जा पाऊंगी। अरे जा जा के पीछे ले आ, ठोक दूंगा यहीं पे। प्लीज पलक, चले जाएगी, जाए पलक, जाओ यार। नहीं जा पाऊंगी यहाँ से। आप प्लीज, आप प्लीज, आप गुस्सा मत हो, जाएगी थोड़ी देर में चली जाएगी। पलक जाओ। लिसन केयरफुली, जंगल की तरफ दो पुलिस वैन आ रही है और पुलिस फोर्स भी आती ही होगी। भैया जी पुलिस आ रही है। समझ गा, सब समझ गा। अरे बैग लेके आ सारे अंदर तक पीछे के, जो सब थारी वजह से हुआ ना, तने खबर करी थी। अरे लेके चली सर। या आंटी, या आई विल कॉल यू बैक। या पुरी का फोन था। मॉम मुझे ऐसा लग रहा है कि आलोक अंकल कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखो ना, हमें रोहित और रिकी की टेंशन है और ये लोग अंकल जैसे बिहेव कर रहे हैं, मॉम दैट्स नॉट राइट। आप प्लीज पूरी अंकल से बात कीजिए ना, कहीं ये लोग सारा ब्लेम हमारे रिकी पे ना डाल दे। साची मैं जानती हूँ, उन्हें समझा समझा के मैं परेशान हो चुकी हूँ।
वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, वो बस शोर मचाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और फिर हम बाद में उनको शांत कर देते हैं। मॉम, आई थिंक पुलिस हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहती हो? मॉम, आप जानती हैं ना कि डैड हमेशा से पूरी अंकल से बेटर पोजीशन पर रहे हैं, और हमारा रिकी रिकी तो हमेशा लाइफ में रोहित से आगे ही रहा है। शायद डैड ने, रिकी, रोहित ने इस बारे में कभी नहीं सोचा, कभी अपने अंदर कोई कंपैरिजन नहीं रखा मॉम, लेकिन पूरी अंकल ऐसा सोचते हैं मॉम। शायद इसीलिए वो रिकी को नीचे गिरा के उसमें ऐसे कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पुरी इसके साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, अनन्या ऐसे नहीं सोचती, रोहित ऐसे नहीं सोचता, अमीरा भी ऐसे नहीं सोचती। समझ रही हूँ मॉम आप क्या बोलना चाह रही हैं, बट अब ये सब छोड़ो, मुझे ऋत्विक की बहुत टेंशन हो रही है। लड़का कभी ऐसे नहीं करता, ये हमेशा इतना रिस्पॉन्सिबल रहा है, किसी ना किसी को बता कर जाता है कहाँ जा रहा है, फोन कर देता है। इस बार कोई खबर नहीं की है उसने, आई रब करे सही सलामत वापस आ जाए। आ जाएगा मॉम, हमारा रिकी वापस आ जाएगा। वो सब समझते हैं कि ममता बहुत ही कूल मॉम है, पर आई डोंट नो सच्ची। इस बार मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार कुछ ऐसा होने वाला है कि सब कुछ बदल जाएगा। छत के अंदर सारी लव स्टोरी से आगे ना बढ़िया, मैं देर कर दूंगा यहीं से।